बच्चों को भी याद है। लेकिन आज तक अहले मिंबर ने भी इस हदीस को सही बयान नहीं किया। बड़े बड़े उलमा से यह हदीस मैंने, तकरीबन हर आलम जाकर अपनी जिंदगी में यह हदीस कई दफा जरूर पढ़ता है। मैं पहला लफ्ज कहूंगा, बच्चे भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका असल माना आज तक किसी ने बयान नहीं किया। ये बुजुर्ग की बात से मैं बयान करने लगा हूँ कि अली नमाज में पढ़ सकते हो या नहीं। बड़ा मशहूर फरमान है, शिया सुन्नी किताबों में लिखा है कि रसूल ने फरमाया था, ज़य्यन मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब। सुनी हुई है ना हदीस? क्या माना है कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली के जिक्र से, लिअन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री फ़ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह फ़ज़िक्रुल्लाह अला कुल्ले हालिन इबादा। क्योंकि अली का जिक्र मैं मोहम्मद का जिक्र, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र हर हाल में इबादत। रसूल को कहना चाहिए था कि ज़िक्रुल्लाह अला कुल्ले हालिन इबादत इल्ला फ़िस्सलाह। रसूल ने कहा नहीं मैं क्या करूं, लेकिन ये बात नहीं जो बात करने लगा हूं वो अब हदीस आपने बचपन से सुनी, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब। इसका तर्जुमा हमारे उलमा और आप यही करते हैं कि अपनी महफिलों और मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। अब किबला और काबा भी तशरीफ फरमा है, ये मेरा साथ दे किबला। ये इस हदीस का असल माना ये है ही नहीं। इस हदीस का माना अरब जानते हैं, कि अरबी जो जानता है किबला ये मजालिसकुम का क्या माना, मजलस है चलसा यजलसो से, इसका माना है बैठना। किबला ऐसे ही है, जाके अपनी मस्जिद के सामने मदरसा है, जिस मजहब का भी आलिम अरबी जानता है उससे जाके पूछना कि ये मजालिस का माना क्या है, तो वो यही माना करेंगे कि रसूल ने फरमाया जहां भी बैठो अपने बैठने को जीनत दो अली के जिक्र से। पूरी नमाज में सिर्फ तशहुद है जो बैठ के पढ़ा जाता है।